Welcome students, welcome to Maxwell Study Hub. So after completing the explanation about Mendel's experiment on monohybrid cross, it's time to start with another experiment of Mendel's sirs only, that is dihybrid cross. In that PPT of Mendel experiment, when I was explaining you with that PowerPoint presentation, वहाँ पे मैंने आपको लास्ट स्लाइड बताई थी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने बताया, उसका रेशो बताया और उसके बाद मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस करके क्वेश्चन मार्क किया था. मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैंने एक और चीज़ बताई थी एक्सप्लेन करते टाइम, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. जीनोटाइप मतलब ऐसी चीज़ों को जो हम देख नहीं पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसका जेनेटिक मेकअप. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनी वंस जीनोटाइपिक रेशो सिर्फ उसको देख के, बिल्कुल नहीं. इन बट इन इन कंपेरिजन विद जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या होते हैं? वो कैरेक्टर्स जो हमें अपनी आंखों से हम सामने वाले के में देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने लिया प्लांट हाइट, आई कलर. और अभी आगे के एक्सपेरिमेंट में जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर करेंगे तो जीनोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट फीचर माना जाएगा. सो कमिंग टू फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रख लिया. मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, यू हैव टेकन ओनली वन कैरेक्टर एट द टाइम. फॉर एग्जाम्पल दैट डे वी हैव टेकन द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावर कलर, फिर उसके बाद प्लांट हाइट पे आए. बट राइट नाउ अब जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा वो होगा दो कैरेक्टर कंसिडर करेंगे साइमल्टेनियसली. डोंट यू थिंक तुमको ऐसा लगा होगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद क्या मेंडल सर कंक्लूजन पे आ गए कि ओके दिस इज द बेस ऑफ जेनेटिक्स? नो, नॉट एट ऑल. ही हैज कंटिन्यूड हिज एक्सपेरिमेंट एंड ही स्टार्टेड विद लाइक थ्री कैरेक्टर्स, फोर कैरेक्टर, मतलब मोर देन वन कैरेक्टर. सो टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉस. यू हैव टू कैलकुलेट अलॉन्ग विथ मी दिस पनेट स्क्वायर मेथड, ऑल्सो नोन एज चेकर्स बोर्ड. चेकर्स बोर्ड पे हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितने अलग अलग टाइप के फिनोटाइप और जीनोटाइप हमें मिले हैं, वो करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, लेट्स टेक अ क्विक रिविजन वॉट वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. अब मेंडल एक्सपेरिमेंट में जेनेटिक का बेस दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, एवरीथिंग वॉज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. नाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ओनली वन कैरेक्टर एट द टाइम, उसके फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो थे. फॉर एग्जाम्पल फिनोटाइप में 3:1 था एंड जीनोटाइपिक वॉज 1:2:1. इफ अगर आपने अपनी नोटबुक में वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, मतलब बाय टेकिंग एनी कैरेक्टर, इफ यू हैव कैलकुलेटेड यू मस्ट हैव गॉट दिस काइंड ऑफ रेशियो. नाउ थोड़ा डिफिकल्ट, लेट्स स्टार्ट विद डाइहाइब्रिड क्रॉस. डाइहाइब्रिड क्रॉस में वी आर गोइंग टू टेक टू कैरेक्टर्स, टू कैरेक्टर, दैट्स व्हाई इट इज अ डाइहाइब्रिड. डाई मतलब दो, डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो उसमें आज हम सीखने वाले हैं यू कैन टेक अनदर कैरेक्टर्स ऑल्सो. कैरेक्टर्स मतलब जीन, जिनको आगे चल के जीन बोला गया. वो कैरेक्टर्स जो मेंडलसन ने हमें दिए, वो कैरेक्टर्स को उनमें उन्होंने डोमिनेट एक लिस्ट किए हैं, एक रिसेसिव जीन है जो आपकी बुक में ऑलरेडी दी हुई है. यू कैन ऑलवेज टेक एनी अदर एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑल्सो. टुडे वी आर गोइंग टू टेक टू कैरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज सीड शेप एंड द सेकेंड इज सीड कलर. नाउ सीड शेप में भी राउंड है एंड व्रिंकल है. सी फॉर हियर आई हैव रिटन डोमिनेंट जीन, एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दिस. जो इसमें राउंड है दिस इज द डोमिनेंट जीन. इन दिस केस द डोमिनेंट जीन विल बी येलो. डोंट गेट कंफ्यूज कि दैट व्हाई आई हैव रिटन हियर. इसमें से, इन दोनों में से राउंड जो है इट इज अ डोमिनेंट जीन, वेयर एज इन केस ऑफ सीड कलर दैट इज येलो विच इज अ डोमिनेंट जीन. इफ यू आर गेटिंग सो कंफ्यूज लेट्स राइट इट अगेन. सो दिस राउंड एंड येलो कलर विल बी अ डोमिनेंट जीन, whereas wrinkle and green this will be a recessive gene. Okay,
So that's the another case. If the seed color is round, it is a dominant gene. और उसका जो another character है that is wrinkle होना, that is the recessive gene. And vice उसके दूसरे type में seed color में भी yellow will be dominant and green will be recessive. That's why I have denoted yellow with capital Y, round with capital R because of the dominant gene, in order to show the dominant gene. Whereas wrinkle and green is recessive gene. So we are going to calculate the Mendel's experiment, उसके phenotype और genotypic ratio using the dihybrid cross, मतलब दो characters. So let's go ahead. अब मैंने कहा आपको दो character लेने हैं, rounded yellow seed. Round है shape, yellow है color. तो क्या होगा उसका genotype? Capital R. Why it is capital R in homologous condition? Because your cell, you are a diploid cell, you are not a haploid cell, you are a diploid cell. You got the half set of your chromosome from your father and half chromosome from your mother. So you are a diploid cell. You are the product of a sexual reproduction. So similarly, this plant is also undergoing a sexual reproduction only. तो आधा उसको अपने पिता की साइड से मिला होगा और आधा मम्मी की साइड से. तो that's why it is in homozygous condition. Sorry, it's not homologous, it's homozygous condition में है. So that's why round को code करने के लिए capital R है and yellow को code करने के लिए capital Y है. Both are present in homozygous condition. Coming to the second, जिससे मैं इसका क्रॉस पॉलिनेशन कराने वाली हूँ, वो है wrinkled एंड ग्रीन कलर. व्हाट आई हैव सेड कि ये wrinkled और ग्रीन क्या है, दे आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ रिसेसिव जीन. सो दैट्स व्हाई जैसा ये लिखा है बिल्कुल उसका उल्टा यहाँ पे लिखना है, स्मॉल लेटर से उसको दर्शाना है. तो छोटा आर छोटा आर एंड छोटा वाई एंड छोटा वाई. यू डोंट राइट ना कि मेरे पास 23 क्रोमोजोम है, यू ऑलवेज राइट मेरे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, मतलब मेरे पास 46 है. तो यहाँ पे इनका जो क्रोमोजोम का है, दिस इज दिस सेट. नाउ अब इनके गैमेट्स कैसे होंगे, अब इसके गैमेट्स कैसे होंगे? आर, एक कैपिटल आर आएगा और एक बड़ा वाई ही आएगा, इससे अलग कुछ आने वाला है? बिल्कुल नहीं. कमिंग टू हियर, दिस छोटा आर एन छोटा वाई यही आएगा. और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है गैमेट फॉर्मेशन में? नो, मुझे तो नहीं दिख रही है. इफ यू आर देन यू आर एक्चुअली मोस्ट टैलेंटेड एंड मेंडल सर से भी आगे जाओगे अगर इसमें कुछ दिखा. ओके, सो जोक्स अपार्ट, यहाँ पे आओ, ये हो गया गैमेट्स. अब इनका फ्यूजन होगा. जो फ्यूजन होगा, जो उससे जनरेशन आएगी, उसको हमने क्या नाम दिया था? फर्स्ट जनरेशन, फिलियल जनरेशन. तो एफ वन जनरेशन में ये जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसका जीनोटाइप, आई एम टॉकिंग अबाउट जीनोटाइप, वो क्या होगा? कैपिटल आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई. सी हाउ आई एम प्रैक्टिसिंग बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई. ऐसे तुम्हें भी करना है ताकि तुमको समझे द डिफरेंस बिटवीन अ डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन. सो नाउ हियर विल बी आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई. मैंने क्या कहा था, डोमिनेंट जीन जैसे ही आएगी, रिसेसिव जीन का असर अपने आप कम हो जाता, होता ही नहीं है, रिसेसिव है ना, उसका सप्रेस हो जाता है. तो ये जीनोटाइप मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल आर छोटा आर बड़ा वाई एंड छोटा वाई. तो प्लांट का सीड कलर और सीड का शेप मुझे आप प्रिडिक्ट करो, कैसा होगा? राउंड एंड येल्लो होगा. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन इन देयर जीनोटाइप. बड़ा और छोटा वाई होने के कारण बड़ा, ये जो इन दोनों जो रिसेसिव जीन का जो असर था वो क्या हो गया? सप्रेस हो गया, रिसेसिव हो गए, और ये दोनों ने डोमिनेंट जीन ने अपना असर दिखा दिया. तो आई थिंक यहाँ तक तो सब कुछ सही जाएगा दिमाग में. उसके बाद ये है एक्चुअल आपके दिमाग में कन्फ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होगी, व्हेन विल स्टार्ट हियर. सो टू अंडरस्टैंड दैट, आप इस वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक अपनी बुक में लिखो, एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विथ मी. ओके,
अब सेल्फिंग इन F1 मैंने सिखाया था, F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन में अभी सेल्फिंग होगी, मतलब इनको भूल जाना, अभी इनको मत लाना अपने दिमाग में, इनके बीच में भी सेल्फिंग होगी। तो चलो इनका फिनोटाइप क्या है, राउंड एंड येलो पक्का। फिर जीनोटाइप इनका क्या है, कैपिटल R, मैंने यही सेम कॉपी किया है। अब इनके गैमेट्स, इनके गैमेट्स कैसे होंगे इसको थोड़ा लिखते हैं। अब ये गैमेट्स मतलब इसका और इसका तो सेम ही होगा, कोई अलग तो होगा नहीं, एक का प्रैक्टिस करते हो और कैसे लिखना मैं बताती हूँ। ये कैपिटल R को पकड़ो यहाँ से, उसके साथ इसको लेकर जाओ बड़े वाई को, कॉमा, कैपिटल R को पकड़ो, उसको स्मॉल वाई के साथ लेके जाओ, कॉमा, छोटे R को अब पकड़ो और बड़े वाई के साथ, और लास्ट कॉम्बिनेशन आएगा ये। सो डोंट यू थिंक यही गैमेट्स होंगे बोथ इन बोथ द पेरेंट्स, दीज गैमेट्स विल बी कॉमन। सो नाउ लेट्स यूज द पनेट स्क्वायर मेथड और आई कैन से द चेकरबोर्ड, उससे ही आप जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशो कैलकुलेट करना पाओगे, वरना हाथ से तो कैलकुलेट करते रह जाओगे। तो ठीक है, अभी क्या करना है, मेल और फीमेल के केस में गैमेट सेम होंगे तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर लेना है अपने पनेट स्क्वायर मेथड में, अपने चेकरबोर्ड में। तो मेल फीमेल, इन दिस केस मेल और फीमेल के गैमेट्स के जीनोटाइप सेम थे, गैमेट सेम थे, सो आई हैव कॉपीड डाउन, आई हैव टेकन दिस, देन ये, फिर ये, फिर ये गया। सिमिलरली आई हैव कॉपीड द सेम थिंग डाउन, ऐसे करके किया, एंड देन यू हैव टू, ऑफस्प्रिंग्स की जो पॉसिबिलिटी, जो जीनोटाइप्स निकलेंगे, 16 ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, 16 के अलग अलग जीनोटाइप ऐसे आएंगे। तो आगे का वीडियो देखने से पहले बच्चों ये अपनी टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करो, सॉरी नोटबुक में इसको ड्रॉ करो और आगे का वीडियो देखना, क्योंकि उसके बाद आपको ये जो आंसर शीट है वो समझ में आएगी। एंड इन एडिशन टू दैट यू हैव टू ड्रॉ द सेम एंड डू द कैलकुलेशन ऑफ द सेम एग्जाम्पल एंड सबमिट इट टू इन क्लास, वो क्लास में आपको सबमिट करना, आई एम गोइंग टू चेक वेदर यू हैव डन इट राइट और नॉट, एंड इन एडिशन टू दैट टेक अनदर एग्जाम्पल, डोंट कम विद दिस rounded and yellow, you can take another examples also, you have a chart in your textbook, for example other pod shape, pod color, so you can take other things also and draw and calculate this thing. Okay, so hope you all have calculated genotype at least offsprings from this checkerboard or Punnett square method. लेट्स मूव अहेड कि फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशो क्या होंगे, फिनोटाइप में क्या क्या पॉसिबिलिटी दिख सकती है, आपको क्या करना है, इस जो चेकरबोर्ड आपने बनाया, देखिए मैंने बना लिया, कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपली यहाँ से उठाकर रखती गई मैं सिर्फ, थोड़ा अलर्ट केयरफुली बनाना ताकि इधर कुछ गलत ना करना, ये हो गया। द नेक्स्ट आंसर इज हाउ टू कैलकुलेट फिनोटाइप एंड जीनोटाइपिक रेशो। अब फिनोटाइपिक में भी क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, अब लेट्स टॉक अबाउट हियर, आर आर वाई वाई, तो दैट इज राउंड येल्लो, एक पॉसिबिलिटी वो हो गई, एक तो पॉसिबिलिटी थी ही व्रिंकल्ड और ग्रीन की, तो दो पॉसिबिलिटी तो थी कि वो आने ही वाली है पेरेंट्स। मैंने क्या बोला था, रेसेसिव जीन मे बी प्रेजेंट इन द फर्स्ट जनरेशन बट इट विल आगे, वो जाके आगे की जो सेकेंड जनरेशन में आएगी वो उसमें दिख सकती है। तो ये दो तो आपको पता है कि मैम ऐसे तो दिखने वाले हैं, राउंड एंड येल्लो एंड व्रिंकल्ड एंड ग्रीन, क्योंकि ये तो पेरेंट्स थे। अब यहाँ पे ये दोनों कहाँ पे हैं, व्रिंकल्ड एंड येल्लो, व्रिंकल्ड एंड येल्लो मतलब छोटा आर, और कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा, एक डोमिनेंट जीन मतलब वाई होना चाहिए। तो यस दिस इज व्रिंकल्ड एंड येल्लो, क्योंकि इसके पास छोटा आर है मतलब व्रिंकल्ड हो जाएगा, और बड़ा वाई है डोमिनेंट जीन है, तो ये क्या हो जाएगा, येल्लो कलर का। नाउ कमिंग टू राउंड एंड ग्रीन, मतलब बड़ा आर रहेगा पर उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, छोटा वाई का, ये मैं बोल सकती हूँ,
दिस विल बी राउंड एंड ग्रीन. सो यहाँ पे ऐसे आपको कैरेक्टर्स ढूंढने हैं और ये रेशो जो आएगा उसको बोलेंगे फिनोटाइपिक रेशो. एंड वेयर एज अब ये कॉम्बिनेशन कैसे करना है, 16 टोटल ना 16 आना चाहिए, 18 19 ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए. सो ड्रॉ दिस टेबल, कैलकुलेट द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशो एंड आई एम गोइंग टू गिव यू कि आंसर क्या है. तो आंसर मैं आज ही दे रही हूँ ताकि आप अपने बुक से उसको मुझसे क्रॉस चेक करके अपनी नोटबुक में उसको करेक्ट करो. अब चलो ये ढूंढते हैं, ये कहाँ पे है वो ढूंढते हैं. कैपिटल आर एन बड़ा वाई, आई थिंक ये है. और है, दिख रहा है? नो. सो होप यू ऑल आर डूइंग. इसको आप लोग मेरे साथ ही कैलकुलेट करो. टेबल बनाने के बाद पॉज करो वीडियो एंड देन कम हियर. फिर कैपिटल आर एन वाई वाई, लेट्स सर्च. एक, दो और है? नहीं है. सो इट इज टू. कैपिटल आर आर एंड स्मॉल वाई वाई, आई थिंक ये. और कोई है? एंड यू हैव, तुम भी अपनी बुक में टिक करते रहना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. अभी ये है. सो दिस विल बी वन. कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई वाई एंड एक, दो, वन, टू. सो आंसर विल बी टू. सो अभी का ये अभी चालू है कि यहाँ पे है. अभी ये ढूंढो आर एंड कैपिटल वाई. सो आई थिंक दिस वन, टू, थ्री एंड यस फोर. सो फोर. नाउ कमिंग टू दिस, कैपिटल आर के साथ ये कॉम्बिनेशन ढूंढो. वन, टू. सो दिस विल बी टू. कैपिटल आर आर एन बड़ा वाई वाई. सो आई थिंक दिस विल बी हियर एक. इट्स वन. छोटा आर एन बड़ा वाई के साथ ये कॉम्बिनेशन ढूंढो. दिस विल बी टू. और ये लास्ट वन. होप ऐसा ही आंसर सबको मिला हो. ऐसे कैलकुलेट करना है, अपनी नोटबुक में टिक करना है. 1:2:1:2. आपकी जो यूनिक सॉल्यूशन की बुक है उसमें ये थोड़ा अलग भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या रखा है इसको. अगर मैंने इसकी जगह पे इसको पहले रख दिया, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ कर दिया, सो 1:2, और अगर मैंने इसको रिवर्स किया तो 2:1 हो जाएगा. तो ऑल डिपेंड्स कि आपने क्या रखा है. बट इन एडिशन टू दैट यू शुड ऑलवेज गेट ओनली 16 ऑफ स्प्रिंग. 2, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 10, 12, 13, 14, 15 and 16. टोटल 16 ऑफ स्प्रिंग शुड कम. एंड इनका ये है. अब इनका जीनोटाइपिक रहा, राउंड एंड येलो, राउंड एंड व्रिंकल्ड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, व्रिंकल्ड एंड ग्रीन. लेट मी टेल यू द रेशो, 9, 3, 3, 1. ऐसा आंसर आना चाहिए जब आप इसको देखोगे. इसको देखो, देखो कौन सा डोमिनेंट जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसे आपको रेशो आने चाहिए. राउंड एंड येल्लो कितने हैं, व्रिंकल्ड एंड येल्लो कितने हैं, राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, व्रिंकल्ड और ग्रीन कितने. व्रिंकल्ड और ग्रीन तो मैं अभी बता दूं, ये देखो यहाँ पे एक ही है. राउंड और येल्लो दिखाने के लिए क्या देखना पड़ेगा, एक डोमिनेंट जीन अगर जिस ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट रही वो दिखेगा कैसे, राउंड एंड येल्लो दिखेगा, बाकी के आप काउंट करो. सो दिस इज अबाउट द डायहाइब्रिड क्रॉस.
आपको अपने होमवर्क में जब ये वीडियो आप देख लोगे, कोई दो कैरेक्टर लेने हैं अपनी टेक्स्ट बुक से, डोमिनेंट और रिसेसिव, उनको कोड करना है। और सिमिलरली ये पूरा मैं आपको अभी आंसर भी बता दे रही हूँ कि आंसर यही आने वाला है एट द एंड। बट व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि इसको आप प्रैक्टिस करो, इसको पूरा बताओ। एंड हाँ, प्लीज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस को मत भूलना, बिकॉज वो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस। होप यू अंडरस्टूड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फ्री टू कमेंट। एंड होमवर्क करना मत भूलना, बिकॉज आई एम गोइंग टू चेक। थैंक यू।